दो बहनों को हुआ आपस में प्यार, इजहार के बाद दोनों ही फरार, मंदिर में जाकर दोनों बहनों ने कर लिया विवाह, पंडित जी बने समलैंगिक विवाह के गवाह। स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों वही लड़कियां हैं जिनकी शादी का मामला सुर्खियों में है। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की ममेरी और फुफेरी बहन है। दुल्हन के लिबास में दिख रही लड़की मामा की बेटी है, वहीं लड़के के लिबास में दिख रही लड़की बुआ की बेटी। दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ने समलैंगिक होते हुए भी शादी रचा ली। आपको बता दें कि दोनों लड़कियां जो बहनें हैं और अब एक दूसरे की पति पत्नी भी बन चुके हैं। शादीशुदा दोनों बहनों ने घर से भागकर दिल्ली के एक मंदिर में एक दूसरे को वरमाला डाल शादी रचा ली और अब साथ में जीवन व्यतीत करने के प्लान में है। लेकिन अब उनकी लड़ाई फिर उसी समाज से है जिस समाज से भागकर दोनों ने शादी रचाई थी। दरअसल बीती 20 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के दनकौर से एक लड़की गायब हो गई। गायब होने के बाद लड़की के परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। थक हार कर परिजनों ने दनकौर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। वहीं ठीक उसी दिन नोएडा में गायब लड़की की बुआ की बेटी भी दिल्ली से गायब पाई गई। दिल्ली वाली लड़की के परिजनों ने भी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट अंबेडकर नगर थाने में दर्ज करवा दी। अब मामा और बुआ दोनों का परिवार बेटियों के गायब होने से परेशान था, लेकिन दोनों परिवार के पैरों तले जमीन उस समय खिसक गई जब पुलिस ने दोनों लड़कियों को ढूंढ निकाला और उनकी समलैंगिक शादी की खबर परिजनों को दी। आपको बता दें कि दोनों लड़कियां शादी के बाद किराए का मकान लेकर दिल्ली में ही रह रही थी। धनकौर पुलिस ने गायब हुई लड़की को ढूंढ निकाला और पाया कि लड़की की वेशभूषा में वो रह रही थी। वहीं दिल्ली से गायब हुई लड़की लड़के के वेशभूषा में रह रही थी। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपनी मर्जी से दिल्ली के मंदिर में शादी करने की बात की और बताया कि वो साथ रहना चाहती हैं। दोनों लड़कियों को बरामद करने के बाद पुलिस थाने लेकर आई। परिजनों ने दोनों को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन दोनों ने बताया कि अब वो एक साथ ही रहेंगी। दोनों बालिग हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। उसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों की मर्जी से उन्हें एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। मामले में दनकौर थाने के निरीक्षक राधा रमन सिंह ने बताया कि दोनों युवतियां बालिग हैं और समलैंगिक भी। उन्होंने शादी कर ली है और अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ रह रही हैं। इसलिए उन्हें उनके परिचित के पास सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें सुरक्षा भी देगी। फिलहाल बहनों के बीच समलैंगिक शादी का मामला सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।